मित्रांनो, जर का आपण पाणी टंचाई विषयी विचार केला नाही तर आपल्याला या परिस्थितींचा सामना करावा लागणार आहे। आपण याचा गांभीर्याने विचार केला नाही तर अजून खूप काही परिस्थितींचा सामना करावा लागेल। जसे की हे बघा, Yeah।
society that save water, save our earth. It's really very good, and children, teachers, and the Polar International whole staff taking too much efforts in it. Thank you so much. यांनी जो आज कार्यक्रम इथं सादर केला पाणी वाचवा पाणी जेवा, खरोखरच फ्युचरमध्ये काही असे प्रॉब्लेम आहेत की माणूस हा एक वेळेस अन्न वगैरे जेवण वगैरे नाही केलं तर तो उपाशी राहू शकतो, पण पाण्याविना तो उपाशी नाही राहू शकत। पाणी हे खरोखरच जीवन आहे, पाण्याशिवाय माणसाचं आयुष्य खरंच माने असे आपण बघतो की खूप वेळेस पाण्याचा दुरुपयोग कशाही केला जातो, पण समाज हा एक खूप समाजाला आपण चांगल्या प्रकारे एक आदर्श दिले। पोदार शाळेने जो एक कार्यक्रम राबवला तो खूप छान होता, त्यात पाणी हे पाणी फाउंडेशन म्हणून आहे ना, आपल्या या महाराष्ट्रामध्ये जे पाणी फाउंडेशनचे जे काम वगैरे चालू होतं ते खरोखरच खूप चांगल्या प्रकारे चालू होतं, पण खूप काही लोकांनी त्या पाणी फाउंडेशनला आहे ना सपोर्ट वगैरे नाही केलंय, तर त्याच्यामुळे खरोखरच जे काही ते सरांनी सांगितलंय फ्युचरमध्ये आहे ना पाणी जर नाही मिळालं तर पाण्यासाठी आहे ना जंग कोण होऊ शकते हे बरोबरच सांगितलंय सरांनी। आज आहे ना खूप काही पाणी आहे ना, नॉर्मल आपण जर बोरवेल वगैरे मारायला गेलो तर बोरवेल वगैरे झाले, विहीर वगैरे झाले, तर नॉर्मली अगोदर आहे ना 20 ते 25 फुटावर पाणी लागत होता, आणि आता तेच पाणी आहे ना नॉर्मली आहे 150 फूट 200 फूट 300 350 600 मिनिमम 750 फुटापर्यंत आज पाणी नाही लागत जमिनीला, तर हा एक खूप मोठा आहे ना दुरुपयोग आहे। तर पाणी जर वाचवायचं असेल तर आपण जे टेकड्या वगैरे असतात तिथे डीप सीसीटी वगैरे हे करणे गरजेचं आहे, आणि सोर्स खड्डे वगैरे बांधणे पण गरजेचं आहे, पाण्याचा आणि जास्त दुरुपयोग होऊ नये हीच मी या समाजाला विनंती करतो। एवढं बोलून दोन शब्द थांबवतो। व्हेरी स्ट्रॉंग कॉज विच यू हॅव ब्रॉट इन फॉरवर्ड फॉर द पीपल, सेव वॉटर, और आपने सही दर्शाया हो सकता है तीसरा जंग अगर हो तो पानी के लिए ही हो, तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है। सिर्फ बाहर आके बोलना नहीं है, आपको भी फॉलो करना है। ओके, आज आपने ये जो हमारा एक एक्टिविटी है या इवेंट है इससे हम ये दर्शाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि आप अपने जीवन में पानी का महत्व को समझे। शिरूर में थोड़ा बहुत किसी किसी जगह पर ये प्रॉब्लम है जहां पर पानी नहीं है, अभी से हम प्रयत्न करेंगे सही दिशा में, तो हो सकता है आने वाले कल जो फ्यूचर है जैसे आप हैं और आपके आने वाले जनरेशन जो है उन्हें भी उतना ही मौका मिले पानी का उपयोग करने का जितना हम इंजॉय कर रहे हैं। तो दुनिया में ऐसे 17 प्रॉब्लम है, 17 एसडीजीज ऑफ देयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विच वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, द ग्लोबल प्रॉब्लम, पूरा वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम है समस्या है उसमें से 17 मेन प्रॉब्लम है जिसको नोट किया गया है, उसमें से पानी एक है, दूसरा फूड है, ठीक है, तीसरा पॉपुलेशन है, चौथा पॉल्यूशन है, पांचवा एनवायरमेंट है, छठा प्रवृत्ति है मतलब गरीबी है। तो इस तरह से 17 प्रॉब्लम्स है यूनाइटेड नेशन में मेंशन किए हुए। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जब आप घर जाओगे आप इंटरनेट का यूज बहुत तरह से करते हो, तो आज आप गूगल पर सर्च करो कि 17 जो एसडीजीज है वो क्या क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और आप उसके बारे में सोचना चालू करो और काम करना चालू करो। पढ़ाई करने का लक्ष्य यही होता है कि जो भी आज के समाज में जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे दूर किया जाए। तो जब तक आप प्रॉब्लम्स को समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, उसके बारे में सोचोगे नहीं, और जब तक सोचोगे नहीं उसका हल नहीं निकालोगे। तो मेरा निवेदन बच्चों से यही है कि आप लोग उस प्रॉब्लम के बारे में सोचो, और आपने जो अवेयरनेस आज क्रिएट किया है तो शिरूर वासियों से भी मेरा यही निवेदन है कि आने वाले समय में पानी का उपयोग सावधानी से करें और जाए। तो धन्यवाद, आपने इस रैली को, इस परिवर्तन ड्राइव को बहुत बखूबी से सक्सेसफुल बनाया है। सो ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू टू ऑल माई टीचर्स फॉर द सपोर्ट एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स, यू डिड अ स्प्लेंडिड जॉब। सो माई रिक्वेस्ट इज देयर दैट यू शुड ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग वाटर सेंसिबली। थैंक यू सो मच।